आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ गब्बर सिंह नमस्ते सर। जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूँ, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे, तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बार बार बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी हुई थी सर, ये कंपनी हमारी फैमिली की जैसी थी सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे, उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ाए रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी हैं सर, उनका उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बधाई हुए रास्ते पे चले सर। और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। जय हिंद, जय भारत, जय सर। बहुत संभाला, लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा, आपको शायद अंदर अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी, पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी। और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट रहता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही और चिंता और बढ़ जाती है, तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया। उन्होंने चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, आंसू आ जाना, दुख होना तो स्वाभाविक है। अच्छा आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते, वैसे अंदर कोई थे जिससे कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम एक लैंड स्लाइड हुआ था सर, अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर, मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर हम लोग। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब है सर, मेरे भाई साहब वो भी लगातार तब से हमारे साथ में बने हुए बाहर से, उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर। वो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में ऑफिसर थे सर, ऑफिसर थे सर, उनको हमारे अंदर थे क्या? नहीं सर वो बाहर में थे, बाहर से वो हमारा हौसला बढ़ाते थे सर। नहीं बाहर वालों के संपर्क में मैं लगातार रहा, बाहर वालों के तो संपर्क में मैं लगातार रहा क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी। मैं चाहूंगा साहब मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैठे हो, क्योंकि मेरा पहला आग्रह था कि वहाँ सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए, लेकिन मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों की तबीयत इतनी बढ़िया है, ये लोग इतनी मस्ती से अंदर रहे हैं और इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं रात को ही बात कर लेता हूँ सबसे।